डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम इसके आगे के पेज पढ़ेंगे, उन पेजों को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम टेस्ट पेपर थर्ड पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझना है ताकि इजीली समझ में आ जाए। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनको नंबर नेम में लिखना है, जो नंबर्स दिया हुआ उसको नंबर नेम में लिखना है, अर्थात जो काउंटिंग में दिया हुआ है उसको हमें स्पेलिंग में लिखना है। आपको याद रखना है नंबर नेम का मतलब स्पेलिंग, नंबर्स का मतलब काउंटिंग। ध्यान रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ जब तक ध्यान नहीं रहेगी आपको समझ में नहीं आएगा किस में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 48। 48 को हमें स्पेलिंग में लिखना है, तो एफ ओ आर टी वाई 40, ई आई जी एस टी 48, ये पूरा हो गया अपना 48। अब 82, ई आई जी एच टी वाई 80, टू का लिखेंगे हम टी डब्ल्यू ओ 2, तो ये पूरा हो गया 82। 93, एन आई एन ई टी वाई 90, 90 टी एच आर डब्ल ई 3 93। अब 32, टी एच आई आर टी वाई 30, टी डब्ल्यू ओ 2 32। अब आते हैं हम 56 पे, एफ आई एफ टी वाई 50, एस आई एस 6। अब आ जाते हैं हम 56 पे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, ऐड ऐड करना आपको सीख ही लिया होगा। ऊपर 2 है 1 2, नीचे 2 है 1 2, इनको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ हम 4 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 1, सबको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम 7 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 74। यहाँ है 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 2, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम 8 लिख देंगे। ऊपर 2 है 1 2, नीचे 5 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नीचे 7। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आते हैं 4, 1 2 3 4, नीचे 1, 1 2 3 4 5, नीचे यहाँ 5 लिख देंगे। क्लियर? फिर ये 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3, 1 2 3, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। क्लियर? यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9। ऊपर 2 है फिर नीचे 2 है, तो दोनों को ऐड करें तो 4। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 2, 1 2, नीचे फिर 2, 1 2, 1 2 3 4, यहाँ हम 4 लिख देंगे। ये 5 है, 1 2 3 4 5, नीचे 3 है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम 8 लिख देंगे। ये 2 है 1 2, फिर सॉरी पहले 8 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, नीचे 0 है तो कोई अंतर नहीं आएगा, 8 का 8 आएगा, ये 2, 1 2,
फिर सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ भी एट लिख देंगे। यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब यहाँ चलते हैं थ्री, वन टू थ्री, फिर थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ सिक्स है तो यहाँ भी सिक्स आएगा क्योंकि ये भी थ्री और थ्री को ऐड करना है। क्लियर? यहाँ टू, वन टू, नीचे सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ हम एट लिख देंगे। यहाँ सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर टू है, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ हम नाइन लिख देंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सबट्रैक पढ़ते हैं, सबट्रैक को भी बड़े ध्यान से और बड़े अच्छी तरह समझोगे तो यह चीज़ भी आपको बहुत ईजी में समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से, 68 में से 42 माइनस करना हमें, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम क्या है, 8 है, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 2 है, 1 और 2 काट देंगे, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम 6 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्ट भी। फिर यहाँ सिक्स है, सिक्स लाइन खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नीचे फोर है तो फोर कट कर देंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू, टू बचे हैं या टू आंसर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, ऊपर टू है, वन टू, नीचे टू है तो टू ही कट कर दें, तो जब टू से टू कट हो गए तो ज़ीरो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या लिखेंगे हम, ज़ीरो। नाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नीचे फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, यहाँ हम फोर लिख देंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर फोर है, वन टू थ्री फोर, नीचे टू है, वन टू, वन टू आया है, ये टू यहाँ लिख देंगे हम। यह सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नीचे थ्री है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, यहाँ थ्री लिख देंगे हम। यहाँ एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नीचे थ्री है, वन टू थ्री कट कर देंगे, ये इधर से कट कर दो, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ हम फाइव लिख देंगे। नाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नीचे सेवन कट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू बचे हैं या टू लिख देंगे हम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है। फिर एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नीचे सिक्स काटेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू, टू बचे हैं या टू लिख देंगे। ऊपर फोर है, वन टू थ्री फोर, नीचे टू कट करेंगे, टू कट कर दिया, वन टू, यहाँ टू। यहाँ नाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन में से नाइन ही कट करेंगे, जब नाइन में से नाइन ही कट हो गए तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ज़ीरो। वन टू थ्री फोर फाइव, टू कट कर देंगे, वन टू थ्री, यहाँ थ्री। यहाँ एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स कट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू, यहाँ टू लिख देंगे हम। यहाँ थ्री है, वन टू थ्री, टू कट करेंगे तो यहाँ वन बचा है। एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ सेवन कट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो वन बचा ही, वन लिख देंगे। फिर सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री कट करेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, यहाँ फोर लिख देंगे, तो यहाँ अपना 41 आंसर आया है। यहाँ तक मेरा मानना है आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे ध्यान से समझना है आप लोगों को, ताकि इजीली में हर चीज़ समझ में आ जाए। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे, इस पे चल दें, फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स को बड़े ध्यान से समझना है आपको, बड़े एक एक चीज़ क्लियर करनी है, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना है। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो। अब ध्यान से देखना है,
यहाँ लिखा रहा ए में वन मोर देन 38 इज, 38 में एक ज़्यादा करने पर क्या आएंगे वह हमें लिखना है। 38 के बाद में आपको काउंटिंग आती होगी, 38 के बाद काउंटिंग लिखिए, 38 के बाद में कितने आते हैं, या फिर 38 में एक ज़्यादा करते हैं अर्थात 31 में एक जोड़ेंगे तो 39 होएगी, क्योंकि 38 के बाद काउंटिंग कौन सी आती है, 39, तो यहाँ 39 आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वन लेस देन 72, 72 में से एक कम करना। अब 72 है उसमें से एक कम करेंगे हम, तो 72 में से इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएंगे, तो 71 आ जाएंगे। मोर का मतलब ज़्यादा करना है तो प्लस कर देंगे 1, और लेस का मतलब एक कम करना है तो माइनस कर देंगे। जैसे 84, 1 और मोर करना है इसमें तो यहाँ 4 और 1 5 हो जाएंगे, यहाँ 85 आ जाएंगे। ये कह रहा है कि लेस तो एक कम करना है तो 5 में से 1 काटेंगे तो 4 आएंगे, या 54 अर्थात यहाँ 54 आ जाएंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।